This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातें मेरे इंटरनेट रिसर्च के बेसिस पर हैं। सभी फैक्ट्स और फिगर जेन्युइन रिसोर्स से उठाकर इस वीडियो में इंक्लूड करे गए हैं। आज मैं आप सभी को इंडिया में हुए सबसे पहले स्कैम के बारे में बताऊंगा और साथ ही उस स्कैम में कौन कौन लोग शामिल थे, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया एंड फाइनली स्कैम का क्या हुआ। ये वीडियो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, वीके मेनन कौन थे, उनके जीवन का ब्रीफ ओवरव्यू। दूसरा, कब और कैसे हुआ जीप स्कैम। तीसरा, कंक्लूजन। नीचे टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप जिस भी पार्ट से शुरू करना चाहें वहां से कर सकते हैं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से अधिक हो चुका है। इंडिया को आज़ादी 1947 के दशक में मिली थी। आज़ादी के दौरान इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी, जिसमें इंडियन आर्मी को लगभग 4000 आर्मी जीप्स की ज़रूरत थी, जिसमें से 1000 जीप्स यूएस से इंपोर्ट कर ली गई थी, पर फिर भी आर्मी को 3000 जीप्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए कमेटी का संगठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू
जो कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने चहेते वी के कृष्णा मेनन को अपॉइंट किया था ताकि वो फॉरेन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इंडियन आर्मी के लिए जीप मंगवा सके। साथ ही उस वक्त वी के कृष्णा मेनन इंडियन हाई कमिश्नर भी थे। वी के कृष्णा मेनन ने सभी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते हुए एंटी मिस्टेन नाम की कंपनी को 2000 जीप्स का ऑर्डर दे दिया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एंटी मिस्टेन एक न्यूली फॉर्म स्मॉल कंपनी थी जिसके पास ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस था और अराउंड 605 पाउंड्स का कैपिटल था। 2-3 एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही थी, मतलब ये पूरी तरह शेल कंपनी थी, फेक कंपनी थी। उसी दौरान वी के कृष्णा मेनन ने एंटी मिस्टेन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस प्रकार के थे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग 80 लाख का था जिसमें 2000 पुरानी जीप्स का ऑर्डर दिया गया था जिसमें एक जीप की कॉस्ट लगभग 300 पाउंड थी। पहली शिपमेंट की डेट 23 अगस्त 1948 थी एंड पूरी डिलीवरी दिसंबर 1948 से पहले हो जानी चाहिए थी। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, जितने में पुरानी जीप्स परचेस करी गई हैं उतने में यूएस कनाडा से नई जीप्स आ सकती थी, पर मेनन का कहना था पुरानी जीप्स जल्दी आ सकती हैं और स्पेयर पार्ट्स के साथ आ सकती हैं। पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशन इस प्रकार की थी, 65% की पेमेंट इंस्पेक्शन के दौरान देनी थी, 20% की पेमेंट फर्स्ट डिलीवरी पर देनी थी और बाकी बची पेमेंट एक साल के अंदर अंदर, लेकिन 65% की पेमेंट पहले ही दे दी गई थी विदाउट इंस्पेक्शन के। फाइनली 155 जीप्स का पहला कंसाइनमेंट मद्रास पहुंच चुका था पर डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उनका कहना था ये हमारे किसी काम का नहीं, पर फिर भी पता नहीं क्यों जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाकर 155 जीप्स को एक्सेप्ट करने को कहा। बाद में ना कभी कोई जीप डिलीवर हुई और ना ही एंटी मिस्टेन कंपनी का पता लगा और ना ही लगाया। उसी के बाद वी के मेनन ने फिर से SCK एजेंसीज नाम की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और 1007 जीप्स का ऑर्डर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस प्रकार के थे। टोटल 1007 जीप्स का ऑर्डर दिया गया था जिन जीप्स की कॉस्ट 458.10 पाउंड थी और 68 जीप्स पर मंथ डिलीवर होनी थी। पर उसी के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ रिवीजन किए गए डिलीवरी से पहले। उसी के बाद कंपनी ने गवर्नमेंट को 49 जीप्स 2 साल में डिलीवर की और उसी के बाद गवर्नमेंट को कंपनसेट करने से रिफ्यूज कर दिया। इन जीप्स की पेमेंट यूके के डेट से की गई थी जो इंडिया के पास ब्रिटिश राज के दौरान। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने पूरी की पूरी केस स्टडी देखी, मैंने उसमें एक एक फैक्ट, एक एक चीज एक्सप्लेन करी हुई थी। अब मुझे लगता है कि आपको पॉइंट तो समझ आ ही गए होंगे। अब मैं आप सभी को मोदी जी की एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने डायरेक्टली जीप स्कैम का जिक्र किया है, तो चलिए क्लिप देखते हैं। It was your government that had the honor to fulfill the long pending demand for one rank one pension ORP that was lying unattended for 40 years. The previous government after much persuasion left mere 500 crore rupees aside for the ORP, which was nothing short of a cruel joke. We got the opportunity to implement one rank one pension, which we did with full sincerity, sadly for Congress. National security and defense sector is either a punching bag or a funding source. On one hand, the leaders call the army chief names and mock the surgical strikes. On the other hand, they have looted the defense sector from the jeep scam back in the 40s and 50s to Bofors in the 80s, the Augusta scam and the submarine scam, among many others. All they see is way to make money, even if it means the morale of our forces is diminished.
लास्टली कंक्लूजन में मैं आप सभी को एक बार पूरी केस स्टडी ब्रीफ कर देता हूं और साथ ही वी के कृष्णा मेनन का आगे क्या हुआ ये भी बता देता हूं। एंटी मिस्टेन का केस होने के बाद गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी मिनिस्टर्स ने वी के कृष्णा मेनन पर स्कैम के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे और अंदर ही अंदर नेहरू जी पर भी स्कैम की मदद करने का शक किया जाने लगा था। मैं आप सभी को बता दूं, ये सारा खेल कांग्रेस के शासन में किया जा रहा था। इसी के दौरान मिनिस्टर्स का प्रेशर होने के कारण एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था, जिसको अनंत सायनाम आयनगर लीड कर रहे थे। इनकी टीम ने जांच पड़ताल करने के बाद काफ़ी सबूत सरकार को दिए थे, लेकिन उस वक्त के होम मिनिस्टर गोविंद भल्लम पंत ने 30 जून 1955 को जीप स्कैम की जुडिशियल इंक्वायरी बंद करवा ली थी। जैसा कि आप सभी ने देखा, वी के कृष्णा मेनन पर इतने संगीन आरोप लगाए गए पर फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और साथ ही 3 फरवरी 1956 को वी के कृष्णा मेनन को डिफेंस मिनिस्टर का पद पर अपॉइंट कर दिया गया था। इसी जीप स्कैम के साथ कुछ सवाल सवाल ही बनकर रह गए, जैसे कि वी के कृष्णा मेनन ने एंटी मिस्टेन कंपनी को 65% की पेमेंट एडवांस में क्यों दी थी। उस वक्त के हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जीप का कंसाइनमेंट एक्सेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर क्यों बनाया था। होम मिनिस्टर गोविंद भल्लम पंत ने वी के कृष्णा मेनन के अगेंस्ट हुई जुडिशियल इंक्वायरी को क्यों बंद करा दिया था। साथ ही इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद वी के कृष्णा मेनन को इतने प्रेस्टिजियस पदों पर क्यों नियुक्त किया गया, ये सवाल सवाल ही बनकर रहे। अगर दोस्तों इस केस के बारे में या वी के कृष्णा मेनन के बारे में और जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जयराम रमेश जी की ये किताब ज़रूर पढ़ें, जिसमें उन्होंने स्क्रैच से लेके एंड तक सारी चीज़ों को बारीकी से देखा है, समझा है और समझाया है। मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको केस और वी के मेनन के बारे में मोटा मोटा तो समझ आ ही गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू वेरी मच।